गणानां त्वा गणपतिमं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणः पतान् शृण्वन् सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः सरस्वत्यै नमो नित्यम् भद्रकाल्यै नमो नमः वेदवेदान्तवेदाङ्गविद्यास्थानेभ्य एव च ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः हरि ओम् हरि ओं टु आल् आफ़् यू तो विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस पहला क्वेश्चन हम आते हैं आई कैन स्पीक इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम क्रीट शाह फ्रॉम इंदौर है भाई क्रीट का तो इनका प्रश्न है कि क्या करें कि साधना में गहरे गहराई आए अंतर्यामी प्रसन्न हो अंदर का आनंद प्रकट हो कृपा कर समझाइए देखो ऐसा है कि सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि हमारा जो स्वरूप है वो आनंद ही है जब तक इस बात को नहीं जानेंगे न कर्मयोग की साधना होगी न ज्ञान योग और उसका प्रमाण सबसे अनु, अनु, अनुभूति वाला प्रमाण है वो तो हमारी स्लीप है सुषुप्ति इस बात का प्रमाण है कि हमारे अंदर पूरा आनंद है तो सुख जो है वो दुख से अधिक अंतरंग है। सुख इज ओनली अप टू ड्रीप डी स्लीप में दुख नहीं हो सकता तो सुख हमारा स्वरूप है। और शास्त्र में पैतृ में आया है रसो और शांोगोक में आया है यो वही भूमा तत् सुखम और वृद्धारण्य में भी आया है तो कई उपनिषद में गीता में आया है इस बात सुखम आत्यांतिकम यद तो शास्त्र ने और कुछ अनुभूति है और युक्ति से भी पता लग जाएगा तो पहली चीज जो जानने वाली यह है कि सुख जो है हमारा कोई कोई फॉरेन बॉडी नहीं है सुख की हमसे अलग कोई चीज हम सुखी नहीं है हम सुख स्वरूप सुखी होना अलग बात है और सुख होना अलग बात सुख स्वरूप होना अलग बात है ना तो सुखी जब हम बोलते हैं हम सुखी हैं तो सुखी हमारा एडजेक्टिव होता हमारा विशेषण और विशेषण विशेष पे निर्भर रहता है लाइक ग्रीन हाउस इफेक्ट सो ग्रीननेस इज डिपेंडेंट ऑन द हाउस तो हम लोग को लगता है कि सुख जो है एक हमारा एडजेक्टिव है हम सुख हैं ये अनुभव हम लोग का नहीं होता यही बड़ी गलती है हमारे चिंतन की यही पहली गलती हो गई क्योंकि जब हम इज इक्वल टू सुख तो फिर हम जैसे हमेशा वैसे सुख भी हमेशा रहे लेकिन जब हमारा एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव आएगा जाएगा विशेषण आएगा किसी कारण से किसी कारण से जाएगा तो पहली चीज तो ये पता लगा लें कि सुख जो है कोई हमारे हमसे कोई अलग चीज है नहीं एक महात्मा बोला करते थे कि जब कोई आदमी दिन में कभी ठाका लगा के हंस लेता है तो उसको जो आनंद मिलता है वो ब्रह्मा आनंदी है सब भले ही वो जानता नहीं है कि वो आनंद है लेकिन अगर सुख हमारा स्वरूप नहीं होता तो फिर हम कभी भी आ, कभी भी सुख की तरफ जाते नहीं कोई चीज अपने स्वरूप की तरफ ही जाती है सुनाई पड़ रहा है ना सब सो हिंदी so, में भी बोल देते हैं इंग्लिश में भी बोल देंगे थोड़ी देर बाद इंग्लिश में भी बोल देंगे सो नॉट आई एम नॉट जॉयस I am not happy, I am happiness. Because when you say I am happy, so I and happy are two things now. And I am happy, I may not be happy after some time. I am sad, or I am tall, I am short. So, like other adjectives, this is also one of the adjectives that we have prefixed with I. But when I say I am of the nature of joy, then whenever I will experience I, so so that that I will will be be there like the the whiteness 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 and milk 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 is of of nature so whenever you experience milk will experience whiteness so, पहली तो पहली चीज तो जरा पक्का करें शास्त्र से कि सुख हमारा स्वरूप है हमें हमें मालूम नहीं पड़ता अलग उसके लिए हम लोग बाद में बात करें तो मालूम नहीं पड़ता है और एक चीज और बोली तैत्री ने उन्होंने बोला कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तो जो जो अहम का स्वरूप है वो अनंत है वही जब मन के स्तर पे आता है वही जो है आनंद हो जाता है तो सब्सटेंशियल सब्सटेंशियली इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट एंड एक्सपीरियंशियली इट इज कॉल्ड हैप्पीनेस एक है सब्सटेंशियल एक है एक्सपीरियंशियल ठीक है हिंदी में बोल देते हैं एक सा है मानसिक अनुभूति ठीक है ना सब लोग समझ रहे होंगे इतनी बात तो स्पष्ट है चले आगे लेकिन अगर हमारा सुख स्वरूप ही है जो हम जब हम सो रहे थे वेन आई वॉज स्लीपिंग डोंट स्लीप नाउ वेन आई वॉज स्लीपिंग जब हम सो रहे थे उस समय जो आनंद था वो आत्मा का ही आनंद था वो ज्ञान का आनंद नहीं that joy was not of the ignorance that was of the that was of the people will say ignorance is bliss this is not right at all ignorance will always be affected as the sorrow later on so jo hamara atma ka sukh hai jo sushupti mein tha wo jagrat mein kyon nahi kya to atma nahi hai wo हाँ लेकिन आत्मा तो ही है वो वाली आत्मा भी अभी है, भी है हाँ तो बोलो आप लोग हाँ हाँ धाम बोलते रहिए आप वो आत्मा अभी भी है आ, तो अगर वो आत्मा अभी भी है तो फिर हमें वो सुख क्यों नहीं है हमारे पास वो सुख क्यों नहीं है अब यहीं पे हमारे पास अज्ञान आ जाता है अब एक के बाद दूसरी गलती शुरू हुई हमारे पास ब्लंडर आफ्टर ब्लंडर पहली ब्लंडर कि हमारा इग्नोरेंस आया इग्नोरेंस के बाद वासना आई वासना के ऊपर लगा कि जगत में सुख है हमारे में नहीं है फिर राग हुआ किसी से किसी से द्वेष हुआ हजार जगह फिर हमें राग होने पे हजार जगह हम हमको सुख दिखा फिर हम और बाहर गए फिर हमें और सुख लिया बाहर से थोड़ा बहुत फिर ये कन्विक्शन और स्ट्रांग हो गया कि बाहर सुख है अंदर सुख नहीं है और इस तरह से हम लोग एक घोर संसारी हो गया संसारी मतलब हुई सम्यक सॉरी ऑल द टाइम इज सॉरी कुछ ये गलती करेगा कभी वो गलती करेगा और इज होल्डिंग टू समरी सो इज कॉल्ड संसारी नॉट है अब ये भाग रहे हैं एक, एक मन स्थिति से एक अहम स्थिति से दूसरे में अब चलेंगे ये संसारी हो गया अब हम आ, जब हम किसी पुण्य से इतना कुछ होने के बाद हमारे पास कोई संत आ गए या गुरुदेव आ गए मान लो अब इसके बाद आने पे उन्होंने हमको बताया कि उनके पास आने पे हमको थोड़ा सुख मिल जाता संत का परिचय तो उसकी उसकी प्रेजेंस है संत का परिचय उसका नाम है हाँ संस का परिचय उसकी उपस्थिति ही परिचय है यू नीड अ सेपरेट जो हनुमान जी ने से बोला ने कि तुम राम दीन अनुरागी बोलिए हाँ की तुम दासन में कोई बोलते रहो मोरे हृदय प्रीत यति हुई अब परिचय हो गया उनका बोले ऐसा तो, तो नहीं कि आप राम ही हो तो जब हम संत के पास आते हैं और हमको बिना काम किए बिना भोगे कुछ कुछ सुख मिलने लगता है फिर लगता है कि बाप सुख तो अंदर की कुछ चीज है बाहर इतना नहीं है जो अंदर बस वहीं से हमारा कॉन्सेप्शन बदलने लगता है अब फिर वही संत जो है हमको तो बताते हैं कि सुख तुम्हारा स्वरूप है और हम हमारे अंदर राग है तो जब तक संत लोग होते हैं तब तक हमारे पास सुख रहता है उसके बाद सूखा हो जाता है सर तो छोटा वो जो है बड़ा वो हो जाता है <laughs> अब हम क्या करें उसके बाद उसके बाद करा क्या जाए साधना जो है इसी के लिए होती है कि हम अपना राग द्वेष थोड़ा कम करें और जो ढेर सारी वृत्ति है जिसमें हमको प्रतिबिंबित आनंद दिख रहा है प्रतिबिंबानंद से हम बिंबानंद की तरफ फ्रॉम रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस आई कम टू द प्योर कॉन्शियसनेस बिकॉज वेन द कॉन्शियसनेस इज रिफ्लेक्टेड इन द वृत्ति दैट आई कॉल द जॉय ऑफ दैट तो वृत्त में प्रतिबिंबित आनंद है उसको हम बोलते हैं कि वस्तु में आ, वस्तु का आनंद है अब इसी के लिए साधना होती है कि हम अपना राग द्वेष अहंकार कम करें थोड़ा सा अब जब जैसे जैसे राग द्वेष अहंकार हमारा कुछ कुछ कम होगा तो वैसे वैसे आपको सहज ही आनंद रहेगा मतलब ऐसा लगेगा कि हम हम खुश हैं है, हमें बहुत चाहिए नहीं और जब राग द्वेश होता तो व्यक्ति बहुत इंसिस्टेंट हो जाता है तो जितना अहंकार कम होगा जितना अहंकार कभी कभी बहुत साधना करने में भी सुख नहीं होता इंटरेस्टिंग चीज ये कि आप हो सकता है सौ माला करो सुख ढीले बराबर ना हो उल्टा थक गए ये भी हो सकता है हो सकता है पूजा करें फिर भी सुख ना हो।, हो सकता है गुरु के साथ रहे तो भी सुख ना हो अब इसके मतलब यह है कि हमारा अहंकार या हमारी वासना बहुत ज्यादा लेकिन उसका तरीका यही है कि हमें वही करना ही पड़ेगा अगेन यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस साधना मतलब जो हमने अपने आप को गलत माना है उसको हम हटा रहे हैं साधना निवर्त्य है प्राप्त नहीं है हाँ तो हमने फिर हमने फिर उसके लिए अपने इंटेंशन को बार बार ठीक किया अपने, अपने आइडेंटिटी को ठीक किया अपने, अपने जहां हमें लग रहा था कि बहुत सुखी उस नोशन को हटाया देखो स्पिरिचुअल लाइफ इज मेनली वर्किंग ऑन द नोशनल इमोशनल एस्पेक्टर फिर हम ऐसा करते कराते फिर हमको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा जप में कभी सुख मिल गया थोड़ा सा पूजा में सुख मिला थोड़ा सा हमें ध्यान में सुख मिला अब वो धीरे धीरे जब हम बढ़ बढ़ता है वो और हमारी वृत्ति में राग वेश कम होता है तो दूसरे व्यक्ति में सुख नहीं मालूम पड़ता और सारी वृत्ति हटके एक ईश्वराकार वृत्ति में बड़ी तेज प्रतिबिंब होता है ईश्वर जब कोई राम भक्त को बोलेगा राम तो रामाकार वृत्ति जो बनेगी उसमें तीव्र प्रतिबिंब जो बनता है उस फिर हमारा कन्विक्शन होता है कि सुख राम में लेकिन क्योंकि दूसरे हमारे ऊपर सुपर इम्पोजिशन इसलिए हमको सुख नहीं मालूम पड़ता तो एक ही तरीका है भगवान का नाम ले, शरणागत हो थोड़ा कोशिश करें शरणागति की तो, जो शरणागत है उसका सुख बहुत ज्यादा हो क्योंकि जो बड़ा वेलिंग फैक्टर है वो अहंकार है अगर हमने अहंकार थोड़ा भी छोड़ा शरणागति में हम अपने आप को छोड़ देते हैं कि भगवान आप जैसा चाहिए वैसा करिए और हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है मतलब तो अपने अस्तित्व को जॉयफुली छोड़ने का जो आनंद है आई वॉन्ट लीव माई आइडेंटिटी दैट इज कॉल्ड द शरणागति है हमें हमारा ना नाम हो ना हमारा कर्म हो हम बस आपके भगवान आपके साथ रहे जैसे रहे कुछ भी हो तो हमें हमें आप ही चाहिए बस हमें अपना अपना नहीं चाहिए देखो भागवत में तो यहाँ तक आया सद्यो हृदय अवरुद्य कृति भी तत्नाथ जैसे भी व्यक्ति सोचता है कि भगवान मिल जाए उसको भगवान उसी समय मिल जाता तो सुख के लिए हमें साधना करना है और सबसे बड़ा जो सुख का जो दुख का कारण है ना उसको हटाना है उसका नाम है मिस्टर अहंकार और अहंकार होल्ड अपनी बात को पकड़ पकड़ गलत आइडिया को जो पकड़ता है अपना अस्तित्व ईश्वर से अलग मान के रखता है ना उसका नेचर यही है अहंकार का तो अगर अहंकार है तो व्यक्ति के जीवन में सुख बहुत कम रहे क्योंकि उसके मर्जी की नहीं होगी तो फिर बहुत दुखी हो जाए कोई चीज छोड़ नहीं पा दुख मतलब कोई गलत चीज हमारा माइंड छोड़ नहीं पाता वो कस के पकड़े हुए है मगर मत है माइंड अरे छोड़ो उसको भगवान की देख ले वो जो नहीं छोड़ पा, पा पाने की जो एक हेल्पलेसनेस है इसी का नाम अहंकार है राइट नोशन होता तो कोई बात नहीं तो आपको सुख देगा तो सब कुछ आप करो लेकिन अहंकार ना जाए तो हमें नहीं लगता कि आपकी पूजा से पाठ से गुरु के साथ रहने से भी कोई सुख खास मिलेगा उल्टा शायद साधना कमजोर हो जाएगी इसलिए भगवान से बार बार बोलना चाहिए कि आप हमारा अहंकार ले लीजिए हम दे नहीं पा रहे बहुत दम है प्रार्थना यहीं पे सब स्पिरिचुअल सीकर फंस जाते हैं जाके सुनते काफी हैं समझ भी लेते हैं और जान भी लेते हैं जब भी कर लेते हैं ये सब बहुत आसान हो जाता है जब करना दस बारह माला कर लिया ध्यान कर लिया लेकिन जब अपनी बात छोड़ने की बात आती है ईश्वर ने बहुत कठोर परिस्थिति दिया उसके बाद हम बोल दे कि ठीक है भगवान आपको जैसे रखना हो आप रख सकते हैं जो ईश्वर को फ्रीडम हम दे देते हैं उसी का नाम हमारा निरभिमानता है हुँ? और हम जब काम करने जा रहे हैं उस काम करने में भी हमें अलग से नहीं हम भगवान से अपनी दूरी कम करने कर्मयोग इज अ प्रोसेस थ्रू विच यू लेसन योर डिस्टेंस विथ समबडी कर्म you कर्मयोग ठीक है हाँ तो बोलिए आप कोई हाँ नहीं बोलना पता नहीं सुन भी रहे कि नहीं सब लोग यहां समझ में नहीं आता है कुछ लोग ऑफ भी, कर दिए कुछ यहां वहां भी देख लेते हैं हाँ? है? हाँ म्यूट तो है ठीक है म्यूट से क्या फर्क पड़ता है हाँ लेकिन इस बात को हमको समझना पड़ेगा थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि हम लोग अपने आप को लेके बहुत इंसिस्टेंट हो जाते हैं पकड़े जाते देखो एक बार ऐसा हुआ कि किसी ने कहा हमसे कि आप कोई काम बताइए ये बात हमने उससे सीखी तो हमने कहा कौन सा काम बोले आप कोई भी काम बताइए हम करेंगे तो हमने कहा ठीक है ये काम करो हमें तुम तो करना क्यों चाहते हो काम तो उसने इतनी अच्छी बात बोली उसने कहा हम आपके साथ डिस्टेंस अपना कम करना चाहते <laughs> हम हम आपके साथ जो हमारा डिस्टेंस हो गया है पता नहीं कैसे हुआ लेकिन हम थोड़ा करीब आना चाहते हैं जो हम काम करेंगे तो आप बुलाएंगे याद करेंगे किसी कारण से तो इसी इसी बहाने हम थोड़ा क्यों <laughs> <जो> भाई <भी? laughs> तो उसने एक ऐसी बात बोली जो कि हमारे हृदय को छू गई उसने कहा कि हम, हम कुछ हम हम कुछ हमारी गलती हो गई होगी ऐसी बहुत सी गलती हो गई होगी लेकिन हम कुछ काम करके अपने हम कुछ करीब आ जाए तो जो योग है जो काम है हमारा होता है उटसाइड हमारा आनंद बहुत है अंदर हमें नहीं चाहिए कोई चीज एक तो दिन रात इस बात को रिपीट करते हमें कुछ चाहिए नहीं संसार भले ही चाहिए तो भी आप मान लीजिए कि हम बेकार में चाह रहे हैं के भी मोर फंस जाएंगे चाह प्लस हाँ. चाह प्लस आ. तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी की बेटी निकली आह बोले जाओ शादी करो सब लोग भागे आह आह देख के फिर आए ब्रह्मा जी के पास तो ब्रह्मा जी ने चाक टोपी पहुंची ताकि चाह की टोपी पहना दिया उसका नाम हो गया चाह आप सबको चाह पुत्र की चाह वस्तु की चाह लेकिन पता नहीं चाह में आ है एक्शन इज नॉट टू अचीव एनीथिंग एक्शन इज टू रिड्यूस माई डिस्टेंस विद द लॉर्ड हम तो खेलने जा रहे हैं उनके साथ कुछ हमसे गलती हो गई उसके लिए इट्स अ फॉर गिविंग एक्शन इज टू से आई 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 एम सॉरी एक्शन इज टू से प्लीज फॉर गिव एक्शन इज टू सेट टू एक्सेप्ट हम जब किसी को एक फूल देते हैं हम गुरुदेव के पास गए हमने एक फूल दिया उसका मतलब यही है कि एक्सेप्ट एक आप कर लीजिए उन्होंने फूल हमारा ले लिया मतलब उन्होंने हमको ले लिया ही तो जो कर्म है उस वो इसलिए है ये यह यही शरणागति की बात हो कर्म इसलिए है कि हमारे अंदर की एक सेपरेटनेस उनके साथ चली जाए हमारा और आपका कोई नोशन अलग नहीं रहे जब हम लोग गुरुदेव के पास आते हैं या आश्रम जाते हैं गुरु के पास तो यही एक सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हमारा आपका कोई नोशन अलग नहीं रहेगा हमारा और आपका कोई इमोशन अलग नहीं रहेगा और जो हमारा आपका नोशन और इमोशन अलग हो गया भगवान इसी को दूर करने के लिए हम काम कर रहे हैं हमें कुछ चाहिए हुई है नहीं हमें बहुत ज्यादा दिया मोमेंट आपने बाहर रखा उसके बाद आप जितनी भी साधना करिएगा उसका फल कमाए तो अहंकार पूर्वक की कोई साधना का बहुत ज्यादा फल नहीं आता हमने से बहुत से लोग देखे हैं सॉरी टू से जो बहुत ज्यादा जब भी करते हैं बहुत पाठ करते हैं लेकिन जीवन में आनंद नहीं रहता शांति नहीं रहती उसका कारण है कि उन्होंने अपने अहंकार को कहीं विसर्जित नहीं किया उन्होंने छोड़ा नहीं है शायद ध्यान करते हो शायद गुरु के साथ रहते हो दिन रात मतलब सालों बीस बीस तीस तीस साल लोग गुरुओं के साथ गुरुदेव के साथ लोग रहते थे हम देखते थे इतना परेशान हो जाते थे वो लोग तो इसलिए दो चीज है शरणागति में कि आप हमें जितना कष्ट देना चाहिए आप दीजिए बस आप हमें दिखाते रहिए कि आप ही हैं बस और जो हमारा कर्म है माय एक्शन इज टू रिड्यूस माय माय डिस्टेंस इट यूज टू से सॉरी प्लीज एक्सेप्ट अपना एक्सेप्टेंस हम आपके दृष्टि में बढ़ा रहे हैं हाँ तो बोलिए आप हाँ. जी तो कभी कभी हाँ हाँ बोलते रहिएगा कभी कभी लोग जो है किसी ने एक दिन भिक्षा के बुलाया तो हमने कहा आपने भिक्षा के लिए हमको क्यों बुलाया हाँ? तो अलग लो, लोग देते कोई तो बोलते हैं कि हमको बोला गया था भिक्षा के लिए भिक्षा के लिए इसमें किसी का नाम नहीं फिट हो रहा तो हमको भी डाल दिया ऐसा भी होता चलो होता। तो ठीक है, है। लेकिन <laughs> एक स्लॉट खाली था लगा कि आप ही को पकड़ते हैं आप ही को डाल दिया लेकिन कभी कभी कोई बहुत अच्छा अच्छा उत्तर भी लोग देते हैं एक जन उत्तर दिया भिक्षा में हमने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि आप हमें बहुत अच्छे लगे और हम भी आपको अच्छे लगे <laughs> आप हमको अच्छे लगे आपकी टॉक अच्छी लगी लेकिन हम भी आपको अच्छे लगे हम भी आप हमको जान जाए थोड़ा सा जिससे कि हम आप हमको याद कर लें इसलिए हमने आपको बुला ली तो जो ये छोटी सी चीज है ना ये कर्म नाम की जो चीज है भगवान के आपको तो बहुत पास कर सकते और कर्म नाम की चीज भगवान से आपको दूर, दूर भी कर सकते तो जब तक ये अहंकार रूपी जो ये जाएगा नहीं ना हम कितने बार एक कहानी सुनाते हैं एक चीटी ने दूसरी चीटी को डिनर पे इनवाइट किया और आप समझ करते हैं मेनू तो एक ही था और बड़ा सा पहाड़ था वो चीनी का अब एक ने कहा बहन चलो भाई खुद चीनी ले लो गई अंदर बोले मीठी नहीं लग रही है तो मीठिया नहीं सुना तो चीनी बड़ी मीठी है बोले और अंदर गहराई में जाते हैं शायद मीठी लग जाए और गहराई में गए दोनों तो बोले और बहन कैसा लग रहा है बोले अभी नहीं लग रही है तब दोनों चीटी बाहर आई कही कि चलो डेंटिस्ट के पास चलते कुछ तो प्रॉब्लम है डेंटिस्ट के पास दोनों चीटी गई तब डेंटिस्ट ने दिखाया कि वहां एक नमक की लड़ी थी जिसके कारण उसको मीठा नहीं लग रहा था <laughs> जीवन में कोई परिस्थिति है ही नहीं इसमें शांति और सुख हो, लेकिन हमारे अंदर चूंकि वो नमक है, हम लोग परेशान रहते इसलिए हमारी शांति कम रहती चलो ये पहला प्रश्न होगा हो गया हम आगे चलते हैं इसलिए साधना करिए लेकिन साधना के साथ अपना इंसिस्टेंस घटाइए और भगवान को प्राप्त करने का इंसिस्टेंस बढ़ाइए संसार के साथ हमारा कोई भगवान के साथ बहुत इंसिस्टेंस इंसिस्टेंट पर्सन ही इंसिस्टेंट पर्सन ही भगवान को प्रसन्न उनके पीछे पड़ जाओ जब तक पीछे नहीं पड़ते वो आएंगे नहीं और संसार के साथ जितना मिनिमाइज इंसिस्टेंस सब अच्छे हैं भाई हम सबसे बुरे हैं आप सब लोग बहुत अच्छे हैं इस भाव को बना के रखिए चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं Iti Sharma, I have a question. Since the time I have started regular puja, so I get dream which is very vivid with lot of fine details. Especially, I have this habit of writing day days events and trying to stay with those emotions with breath. I find there I am taken away by th those dreams or small stories with better and happy feel. I am unsure is that an insight or I am getting into imagination. Does imagination like this is a part of process? moving up or i need to introduce something more see i don't you uh, cannot say it depends on what is the dream. dream and whatever is the dream it should be in resonance with what the teacher has said what shastra has said what guru has said dream. then if the dream is like that that you feel that this is what my teacher is saying and this is what it has been more clarified by the dream then, then definitely dream is fine Dream should not be contradicting your teacher and scriptures. If something, anything contradicts your scripture and teacher, it's an imagination. Forget about dream in the waking also. कुछ भी चीज जो है, अगर आपके शास्त्रों ग्रुप के नहीं चल रही है, इट इट इस इन इन्वेमेजिशन। And dream में इफ इट इस इफ इट इस मेकिंग मीन हमें भी कई बार गुरुदेव की dream आई And I'll tell you, when की ड्रीम आई तो जो हमने क्वेश्चन हमें चाहिए था गुरुदेव के वही क्वेश्चन उन्होंने आंसर दिया ऐसा हुआ आप समी संत का नाम क्या ले? लेकिन हम किसी संत के के समय नहीं थे उनकी समाधि हो गई हमको लगा कि हमने उनको देखा नहीं देखा नहीं और फिर वो हमारे ड्रीम में आ गए कहा तुम तो हमको देखो अब तो ऐसी बात जब बोल दिया तो दैट ड्रीम वॉज नॉट एन इमेजिनेशन दैट ड्रीम वॉज अ रियलाइजेशन एंड रेवल बिकॉज देवतास आर परवेडिंग योर माइंड एंड गॉड इज योर माइंड ही कैन कम्युनिकेट थ्रू ड्रीम एज वेल संतुकार जी गॉड दीक्षा फ्रॉम इन ड्रीम ओनली मंत्र दीक्षा इन ड्रीम but supposing dream comes that Swamiji i gave you 1000 dollars acha in that dream and you come in the waking to claim it so that was imagination tab to wo imagination hai ya sapne mein kisi se shaadi ho gayi और वो से imagination है फिर आप वही गाना गाइए सपनों की रानी कब आएगी तो उसमें वही वाला चलेगा <laughs> लेकिन जो साधक होता है वन हु इज स्पिरिचुअल सीकर और बहुत जब कर रहा है और बहुत गुरु का ध्यान कर रहा है तो नेचुरली ड्रीम विल डेफिनेटली रिफ्लेक्ट हिज माइंड तो आपकी जो ड्रीम आई है पूजा को लेके वो ठीक है एज लॉन्ग इट इज सपोर्टिंग द स्क्रिप्चर्स एंड एंड द टीचर नहीं तो आप उसको छोड़ दीजिएगा एंड इट इज बेटर टू कन्फर्म इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज कन्फर्म दैट कि दिस ड्रीम इज देयर चला आई

जिंदगी बदल गई ऐसा ऐसा भी होता है एक नोट पटांग ड्रीम है तो उसको नहीं सच मानना चाहिए अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रीम आती है? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम भैरवी फ्रॉम प्रयागराज फर्स्टली आई लाइक टू थैंक यू थैंक गॉड फॉर सेंडिंग मी इन माय लाइफ डू वी हैव एनी ग्रीवेंस रिड्रेसल मेकेनिज्म विद गॉड और फिर है फिर है हाउ टू सी गॉड्स हेल्प वेन ओनली ही कैन बी रिलाइट अपॉन एंड वी डोंट नो हाउ टू टेक हेल्प दिस क्वेश्चन थर्ड एंड वॉट कैन बी डू टू टू टेक फॉर गिवनेस फॉर अवर नोन एंड फॉल्ट एंड सी ग्रेस नेक्स्ट क्वेश्चन उन्हीं का हाउ टू फ्रेस लाइफ वेन इट इनफ्लिक्स ओनली हर्डल्स काइंडली गाइड सो फर्स्ट क्वेश्चन हाई इंटरेस्टिंग ग्रेवेंसल ग्रेविंस दुख निवारण कोई यंत्र है भगवान के साथ कैसे ऐसा हो सके इसके इंग्लिश हिंदी ऐसे होगी अफकोर्स देर इज भाई भगवान के साथ हम इतना बोल दें जाके कि आप जो है आप हमको अपना बना लीजिए या हम हमको स्वीकार कर लीजिए जो हम स्पिरिचुअल बनते हैं शिष्य से हम शादी माँ बस इतनी सी बात भगवान से रोज आप बोल दो कि आप हमको समझा दीजिए हमारा आपके अलावा कोई नहीं है बस एक बात आप लोग बोलते रहो दिन रात रह। सबके सामने मत बोलना लोग बिगड़ जाएंगे आसपास पर लेकिन ये हम बोलते रहे कि हमारा आपके अलावा कोई नहीं है हमको आप गाइड कर दीजिए भगवान हमारे हैं तो दुख हमारा नहीं होता इस बात को समझना हमारा पन दो जगह नहीं आता इतना हमारा भगवान के साथ हो जाए कि दुख हम दुख अटना ना पाए भगवान के साथ तो जहां हमने भगवान को मेरा बोला उसके बाद दुख आपका अपने आप कम हो जाए दूसरी चीज है कोई सिचुएशन है ना डोंट रिजेक्ट एनी पर्सन और एनी सिचुएशन ट अ पर्सन इट इज लाइक रिजेक्टिंग गॉड जब अंग को आप प्रिजेक्ट कर दोगे तो अंग ही भी रिजेक्ट हो जाता है इफ सम लाइक माई हैंड इट ड लाइक मीट इट मींस टू डोंट एनी बडी इन सोरो आई एम रिजेक्टिंग एनी ऑलवेज से डोंट रिपेल द डिजीज ट्रीट इट बट जल्दी चला जाए उससे नई डिजीज आ जाएगी जल्दी से दूर हो जाए ये दूसरा तरीका है जल्दी से सरदार दूर हो जाए जल्दी से जा, अरे भाई होगा समय समय भगवान एक्सेप्ट कर अगर तुमको दुख देना है तो हमको दो शरीर को जितना पेन देना उतना बस अपना स्मरण बना कर रख डोंट ट्राई टू रिलीव वेरी फास्ट डोंट रिजेक्ट योर प्रारंभ डोंट शन ने दिस इज द सेकंड एक चीज और है भगवान के साथ इन टर्म्स आने का दुख होता ही इसलिए जहां पे हम अपने आप को छोटा समझते हैं लेकिन बड़ा समझने समझना चाहते हैं और फिर छोटा समझते परिस्थिति छोटा बना रही है और हम बड़ा सिचुएशन इज मेकिंग मी स्मॉल बट आई वॉन्ट टू बिकम बिगर हम पहले ही से और छोटे बन जाए तो दुख नहीं विनम्र व्यक्ति को दुख नहीं होगा क्योंकि वो पहले ही छोटा बना है। लेकिन हमको किसी परिस्थिति ने किसी काम ने किसी एक्शन ने छोटा बनाया प्रारब्ध है और हमको लगा हम छोटे हैं वो बड़ा है एक्सपीरियंस ऑफ स्मॉलनेस इन द सेल्फ इज कॉल्ड सॉर सिचुएशन भगवान राम को बहुत इंसल्ट किया बट ही वॉज नॉट इंसल्टेड ही डेंट फील इंसल्टेड

ईश्वर ईश्वर उस, से उसको बहुत प्यार मिलता अराउंड गॉड यूर यू आर स्टॉप इज योर लव टूवर्ड्स गॉड इज ब्लॉक्ड एंड गॉड्स लव इज ऑल्सो ब्लॉक्ड टूवर्ड्स अच्छा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं चार पांच क्वेश्चन है हाउ टू सी गॉड्स हेल्प वेन ओनली ही कैन बी रिलाइड अपॉन एंड वी डोंट नो हाउ टू टेक हिज हेल्प अब ये तो बहुत सिंपल सा है हाउ टू टेक गॉड्स हेल्प तो बहुत सिंपल है वो तो गॉड्स हेल्प है आप तुरंत उनको बुलाइए और उस समय खड़े हैं वही है जिस अंताकरण में हेल्पलेसनेस है उसी अंताकरण में ईश्वर है दैट हार्ट इन विच यू आर फीलिंग दैट आई एम फीलिंग हेल्पलेस इन दैट हार्ट इज देयर तुरंत आप बोलिए भगवान हमको ठीक कर दो भगवान समझ में नहीं आ रही बात उनको एक सुनना है कि तुम हमको एक बार बुला लो बस हमको एक बार अपना मान के बुला लो सो मोर मोर यू हैव फेथ इन यू मोर यू विल गॉड्स से हमारे सारी समस्या का समाधान भगवान कर सकते देखो एक बार ऐसा हुआ ऑल आर लिस्निंग नॉट प्लीज डोंट स्लीप हाँ सो एक बार ऐसा हुआ कि किसी ने कहा एक राजा के पास कोई नहीं तो राजा संत ने कहा कि भगवान कुछ भी कर सकते राजा नहीं वॉज ऑर्डनरी पर्सन और, और नहीं। तो राजा ने कहा कि आप ज्यादा ही बोल रहे हैं आपके सामने थाली आए तो खाना तो पड़ेगा आपको भगवान तो नहीं डालेंगे मुंह में बोले नहीं भगवान डाल देंगे अगर हम चाहें तो डाल तब जो है राजा ने कहा हम नहीं जाते आप जाइए हम आपको खाना नहीं देने वाले बराती आए that that a, totally a पेड़ की छाप में तो उनको लगा कि भाई ये खाना है महात्मा को खाना दे दो दे दिया खाना उनकी कंडीशन मुंह खाएंगे लोगों ने कहा गया सुनी जहर मिला और फिर डकैत आ गए सब खाना छोड़ के सब बराती भाग गए इनको डकैत को लगा कि ऐसा तो नहीं खाने में जहर वगैरह हो बोले ये साधु है इसके आगे पीछे तो कोई है नहीं मर जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है <laughs> <laughs> बोले खाओ तुम उसने हम नहीं खाए क्यों नहीं खाओगे उसको पकड़ पकड़ के पूरा खिला दिया अब राजा बहुत दूर से ये सब ऑब्जर्व करना कर रहा तो जिस समय आपके अंदर श्रद्धा बहुत होती है भगवान आपको मदद बहुत करता हाउ मच गॉड विल हेल्प दैट डिपेंड्स हाउ मच ईगोलेस एंड फेथफुल यू आर अर्जुन को इसीलिए इतनी हेल्प मिल गई द्रौपदी को इसीलिए हेल्प मिल गई दुर्योधन को नहीं मिली गाय सामने हो तो भी दूध दो सबके बस की बात नहीं आई डोंट नो है कोई दूध दूस सकता है क्या अगर गाय सामने रख दे उसका भी एक तरीका होता है अदरवाइज काउ बिल्कुल वॉट अदर पीपुल वॉन्टेड काउडिट हमारा ये कहना है कि जिसके पास जिसकी जितनी श्रद्धा होगी जितनी तपस्या होगी जितनी विनम्रता होगी उसको हेल्प बहुत ज्यादा मिलेगी हम इस बात को गारंटी के साथ एंड दिस वाज़ द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ अर्जुन दिस वाज़ द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ द्रौपदी दिस वाज़ द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ विदुर जी सबको लाइफ में ईश्वर से समान हेल्प नहीं मिलती ऑल दो ईश्वर इज समान एवरीडे लाइक like, कई लोग आप जानते हैं लेकिन एवरीबडी है जिससे भगवान हमारे जीवन में हमारी हमारा सारा काम करने लग एक टाइम ऐसा आता है कि भगवानी आपका जब करेंगे भगवानी आपकी पूजा करेंगे भगवानी आपका सारा काम कर देंगे that state if you want then you have to develop more and more faith more and more tapasya you will you can do wonders wonders will happen yahi yahi sant logon ka jeevan hota hai wo kuch bhi aisa karte varte nahi unke aas paas hota rehta hai वरना अब हमारे साधना में डेप्थ नहीं आता है जब तक ईश्वर नहीं आता कहीं पे वहां डेप्थ नहीं आता आई होप दिस इज द दिस इज द क्लैरिटी इज देयर अबाउट दिस क्वेश्चन Is it clear? Or again shall I try to explain? No 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 no. Continue. continue. अच्छा अच्छा इतना आप बढ़ाइएगा कितने, कितने लगा कि नहीं हो पाएगा लेकिन हो गया कितने ऐसे काम थे हम आपसे क्या क्या बन रहे कितने काम डरबर पे शिव जी की मूर्ति जब आई पांच छह सौ किलो की मूर्ति और हुआ क्या वहां पे कि वेन इट वॉज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द सेंटम उठी नहीं मूर्ति को 25 लोग उठाए एंड स्टिल इट केड नॉट बी लिफ्टेड टूवर्ड देंटम एंड सेंकटम वॉज फ्यू मीटर सब एक घंटा लोगों ने मेहनत की वन आवर बस हमने कहा कुछ नहीं होगा <laughs> भगवान <laughs> हम लोग शायद अपना अहंकार में उठाना चाह रहे हैं आपको विश्वास नहीं होगा जैसे ही ओम नमः शिवाय नाम हमने कहा लिया जाए वो दो चार लोगों में ही मूर्ति उठ गई और अल्टर जहां था वहां पे एक आदमी जाके खुद ही बैठ गया था वहां से खींचने के लिए फिर हमने कहा तुम हटो और फिर वो जाए <laughs> फिर भगवान की मूर्ति वहां पहुंच गई जीवन में अगर आपकी जितनी ज्यादा श्रद्धा होगी जितनी तपस्या होगी जितना आप ईश्वर को पसंद करेंगे और ईश्वर के अनुसूर अनुसार अपने काम करेंगे सबको सम्मान देंगे सबके साथ प्रेम से रहेंगे अमानी मान दो मान्य लोक स्वामी त्रिलोकधिक उतना ज्यादा ईश्वर आपके जीवन में आके हम आपसे बता दे झाड़ू पोछा भी ईश्वर लगाता है और ईश्वर जो है चक्की भी पीसता है जनाबाई की तरह और एक नाथ जा वो झाड़ू पोछा लगाते हैं वो क्या नहीं करते हैं तुलसीदास जी की वो चौकीदारी करते हैं ईश्वर क्या नहीं कर सकता वो तो अंधे सूरदास का हाथ पकड़ के उनको गड्ढे से गिरने से बचाते हैं हमारे अंदर क्योंकि श्रद्धा कम होती है इसलिए हमारी अचीवमेंट जो है स्पिरिचुअल भगवान का त्याग भगवान की तरफ से सहायता हमको कम दिखती है दिस इज वन मोर क्वेश्चन इज देयर

हम कुछ पाना चाह रहे हो नहीं मिल रहे इसी को हर्डल बोल रहे और क्या अगर हम चाहेंगे तो हमारा हर्डल क्या होगा बताइए आप नाम लेने में कौन हमारी हर्डल होगी टू मच हर्डल्स आर देयर दैट मीन आई वॉन्टिंग आउट साइड नेवर माइंड इवन इफ यू वॉन्ट जस्ट द लॉर्ड्स नेम और आपकी हर्डल कम हो जाएगी भगवान के नाम से भगवान की पूजा से सबके आशीर्वाद से एंड यू विल फील बेटर एंड व्हेन यू फील बेटर बेटर यू बिकम बेटर विद गॉड यू विल गॉटम बेटर नथिंग इज देयर देयर इज अ परमानेंट सोचते सोचते बाय कंटीन्यूअसली थिंकिंग दिस इज माय हर्डल दिस इज माय प्रॉब्लम अरे क्या ऐसी हर्डल है नहीं है नहीं चाहिए व्हाट देखो आई टेल यू वन थिंग आई हैव लर्नड इन माय लाइफ

उसको करते हैं कि पार्वती जी से गलती हो गई तो शिव जी ने श्राप दे दिया उनको और उनको दूसरा जने मिला उन्होंने लिखा कि ये तो कोई दुश्मन भी ना करे <laughs> सारी तपस्या सारी मेहनत पार्वती जी के सब व्यर्थ हो गई जाके माफी मांगो उन्होंने फिर शिव जी कहते हैं से हमको भी तकलीफ हुई तुमको भी तकलीफ हुई देखो तो एक बात बताए तुमको ये जब इस तरह की बात हो ना ये सब लीला होती है। लीला इसलिए है शिव जी अनंत है और शिव जी ही पार्वती है। वो किसी सिद्धांत को दिखाने के लिए उन्होंने वो पुनर्जन्म की लीला किया खूब तड़प रहे हैं राम जी रो रहे हैं शिव जी रो रहे हैं हाँ ये सब उनमें ये सब कोई सच्चाई नहीं कि ऐसा सच में वो तड़प रहे हैं सच में लो रहे हैं कोई पॉइंट है उस लीला में जो कि हम लोग को दिखाने के लिए बताने के लिए किया गया है पर रोते हुए भी हंस हंसते ही रहते हैं अंदर अंदर कोई तो ऐसा कुछ भी नहीं है अगला जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो बड़ा मजेदार है उसमें ये लिखा है कि वो वेदना किसी को बता नहीं पाते अच्छा हम चाहते हैं कि हम उनके इस वचन को स्वीकार लेकिन हमारा मन नहीं मानता कि ईश्वर को कोई दुख होता है ठीक है इतनी तड़पन क्यों जीव को कैसे सिस्टम ने बनाया है जहाँ सिर्फ एक एक के पास ही कोई दोष नहीं है सब ज्ञान सब आनंद अमृत बाकी सबकी गुलामी कैसा न्याय है और इसमें करना तो दूर दूर तक नहीं दिखती गुरु ना हो तो ईश्वर ने कहीं का नहीं छोड़ा देखो भाई धवल ईश्वर <laughs> इश, ने कुछ भी ऐसा नहीं किया अगर तात्विक दृष्टि से देखा जाए आई थिंक अफ्रीकाशियल एंगल इफ यू सी ईश्वर देर इज नथिंग कॉल्ड द जीव देर इज नथिंग कॉल्ड रूलर ऑल्सो ओनली ब्रह्म एंगल सीफ यू सी चलो भाई जीव है जीव has problem

अकॉर्डिंग विद पर्सन और एंग्री विथ दैट पर्सन सो जीव के कर्म सेम भगवान कृष्ण सो सॉफ्ट टू यशोदा जी की रोने लगते थे छोटी सी बात पे वही कौरवों को पूरे कौरवों की सिवानों को मरवा डाला वही प्रलय कर सो सेकेंड एंगल इज दिस ईश्वर कैन बी वेरी हैप्पी यू कैन बी वेरी वेरी एंग्री यू कैन बी वेरी वेरी रूड यू कैन बी वेरी वेरी सॉफ्ट डिपेंडिंग ऑन वॉट आई हैव डन

देखो तुम चोरी मत करो दिस इज नॉट गुड फॉर यू स्टीलिंग इज नॉट गुड फॉर यू यू शुड यू नो यू शुड नॉट स्टील और जब वो चोरी करने जाता है उसके बाद भी जो है ईश्वर बताता है यहां से कूद जाओ यू जम्प फ्रॉम दिस प्लेस यू विल बी कॉट अप हियर देर इज नॉट अ टाइम वेन ईश्वर इज नॉट टॉकिंग एंड नॉट इंस्ट्रक्टिंग आई एम टेलिंग यू दिस पॉइंट माई एक्सपीरियंस इज लाइक दैट एंड देर फोर वेन वी गेट द फ्रूट ऑफ एक्शन वी विल सी फील that right thing came in my mind but i was i am not able to follow that ishwar definitely comes in our mind ishwar definitely talks to us ishwar definitely i will say stops us he shouts on us he scolds us aisa nahi hota but the jeev vasna is very strong and he is not able to listen to ishwar ultimately he snubs the ishwar एज मच एज गॉड एन इंसल्टेड गॉड वीट स्नप्ड एनी बड़ी भगवान का हमने सबसे अधिक तिरस्कार किया ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान ने हमको कुछ नहीं दिया जरूर बताया बहुत बताया लास्ट एंग ऐसा नहीं ईश्वर फोर्सफुली सबको मोक्ष दे देगा नैग्रहण ने दोष मानते हैं उसमें पार्शियलिटी हो जाएगी उसमें वो ईश्वर नहीं करता ईश्वर ने सबसे अधिक किसी ने प्यार किया है इफ समबडी हैज लव्ड मैक्सिमम ये ईश्वर ने किया है इफ समबडी हैज फॉरगिवन मैक्सिमम ईश्वर ने किया है इफ ईश्वर वाज नॉट हियर टुडे वी वुडंट हैव सैट हियर एंड वी वुडंट हैव टॉक देम गुरुदेव हमारे जीवन में नहीं आते मिशन नहीं आता गुरुजी नहीं आते इतने संत लोग नहीं आते हमको तो हम कितनी बात बताएं अपने बारे में कि ईश्वर ने कहां, कहां पे हमको क्या क्या बताया है कभी अंदर से कभी बाहर से जैसा कभी सपना देके बताया कभी किसी को भेज के बताया दैट ऑल्सो हैपन दैट जस्ट केम इन माई हाउस ऐसा भी हुआ कितना उन्होंने समझाया आज भी समझाते रहते हैं कभी किसी से डांट के समझाया किसी प्यार करके समझाया

आफ्टर फ्यू डेज उन्होंने कहा पीछे क्यों बैठते हो बच्चा आगे आ जाओ आगे आ जाओ बच्चा तो उन्होंने कहा कि जल्दी क्यों आगे प्रसाद तो देर में मिलता है और पता नहीं क्या मैजिक हुआ आई मस्ट बी फाइव ईयर सेवन ईयर ओल्ड नाइन ईयर ओल्ड बस हमें समझ में नहीं आता था बस देखते रहते थे ही टचड मी एंड ही सेट समथिंग आशीर्वाद दिया बोले खूब तुम नाम जब करोगे

तुमको बहुत वहां आनंद आ रहा था ना तुम देख लो कितना अटैचमेंट में सौरभ है अहंकार में कितना है में कितना सौरव है जॉब में कितना सौर भागते थे ना देखो जॉब में कितना सौरभ है शा, देखो शादी में कितना सौरव है जितना तुमने जिसके साथ तुम इतना रिलाई करते थे तो कितना वहां सौरभ है कहाँ पे हो रही है एक एक मोमेंट नहीं होता जबकि ईश्वर हमको कहीं पे भी छोड़ता हो सोते समय जागते समय मरने के बाद भी उस जीव के साथ ईश्वर ही रहता है जो उसके दूसरे जगन में रहता है बच्चा जब वूम में रहता है उसके पास ईश्वर उस वूम में रहता है गर्भ में कोई नहीं हमारे साथ रह सकता एक माँ को भी नहीं पता था एक बच्चे का क्या कष्ट है लेकिन ईश्वर उस गर्भ में भी रहता है हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ईश्वर हमको छोड़े वो छोड़ नहीं सकता गॉड हम लोग नहीं समझ पाए और गुरु की तो जरूरत भी नहीं होती आउटर गुरु इज रिक्वायर्ड बिकॉज वी डोट हियर द इन ईश्वर एंड देर फॉर बी से गुरु गुरु इज ईश्वर बिकॉज नॉट आई कुड नॉट हियर फ्रॉम इन साइड ना गुरु इज टेलिंग द सेम वर्ड आउट साइड आई कुड नॉटर इन साइड इफ आई कुड हर्ड इन साइड आई नीट दूट गुरु ऑल्स बाहर के गुरु नहीं जरूरत है अगर हमें अंदर का ईश्वर दिख जाए लेकिन ईश्वर हमसे बोला है हमसे बात किया है हमको डांटा है हमको प्यार किया है हमको हमको क्षमा किया है ईश्वर मी yes, हम हमारे साथ रहा है हमको सिखाया है हमको पढ़ाया है हम तो साक्षात में इस बात को दावे के साथ बोलते हैं कितनी बार हम कितनी चीज हमें नहीं आती थी कितने टेक्स्ट भगवान का नाम ले लेके पूजा कर, कर के टेक्स्ट समझ में आए कितने थॉट्स नहीं आते थे हमें कली बता रहे थे रामायण नहीं समझ में आती थी भागवत का तो स्टार्टिंग हमने पूरा वेदांत पढ़ लिया हमको लगा कि हम वेदांती हैं क्या भक्ति की जरूरत वेन आई वीज स्टार्टिंग इन माई ग्रेजुएशन एक दिन देखा कि पता नहीं भागवत की किताब रखी है हमने कही क्यों किताब किसी ने रख दिया कहा से आ गई टिल डेट आई डोंट नो कहा से किताब आई हमने पूछा दादाजी से हमने कहा आपने रखा बोले हमने नहीं रखा फिर हमने पढ़ना शुरू किया और जैसे ही हम टेंथ कैंटो पे गए इतना हमारा मन द्रवित होने लगा हम इतने ज्यादा विबल हो गए पढ़ते पढ़ते तो भगवान कृष्ण की लीला है यू डोंट नो व्हाट गॉड हैज गिवन एंड हाउ विल ही हाउ मच ही इज गोइंग टू गिव अस हमको पता नहीं कि भगवान ने कितना दिया है और कितना देने वाला है और आपको पता लगेगा बाद में कि हमने नहीं सोचा था कि हमको इतना मिलेगा आई है नेवर थॉट दैट गॉड विल गिव सो मच टू मी गॉड विल टीच सो मच टू मी गॉड विल लव सो मच इन सो मेनी वेस हमारे पास आंख नहीं है लेकिन भगवान ने बहुत 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 प्यार किया है अलग अलग तरह से प्यार किया टाइम हो गया हमारा <laughs> अब यही हैं हम बैठे हुए थॉट कि हम यहां रहेंगे लेकिन बोल दिया किसी ने ईश्वर <laughs> ने बुला लिया हमें लगा हम कहीं और जाएंगे वहां जाएंगे कैसे होगा क्या होगा हमें सॉलिट्यूड चाहिए हम कहीं कहीं तो जाएं हम भगवान से एक दिन रात में हम कहां जाएं चुपचाप हमें दिन भर ना बात करना पड़े बस एक घंटे सत्संग शाम को कर देंगे आई जस्ट थिंकिंग होल्ड आई वोंट टॉक इन द नाइट आई विल जस्ट टॉक वन ऐसे रात में दो बजे हम प्रार्थना कर यू विल नॉट बिलीव 2:00 क्लॉक आई वाज जस्ट थिंकिंग हम कहां जाएं चले जाएं कुछ देर के लिए और उसके बाद ही कोई कुछ ऐसा हो गया कि हम यहां आ गए डू नेवर नेवर थिंक वी आर नॉट रीडिंग द लाइफ कंप्लीटली भगवान कहता है हम तुम्हारे सारे दुख हटा देंगे तुम सुन तो लो हमारी बात कभी कभी लोग हमसे कहते हैं आप उनको समझाते नहीं अरे वो समझते ही नहीं हमारी बात हम कहा समझाएटलबल भगवान ने बहुत प्यार किया है और उनका तो दोनों हाथ हमको दिखता रहता है कि आओ हमारे पास हमारी गोद में हम तुमको बैठा लेंगे गोद हम तुमको हमारे पास सुनो तो यू टॉक टू मी हमसे बात तो करो तुम दिन भर हमसे दो मिनट तो बात कर लो हमारा भी हाल चाल पूछ लो हमको भी देख लो एक मिनट अच्छा तुम हमको कुछ मत एक फूल चढ़ा दो अच्छा कुछ मत करो जब तुम नहाओ तभी हमको एक बार याद कर लो यही तो ईश्वरता है ईश्वर ऐसा नहीं है कि हमारा दुख नहीं हटाओ वही दुख हटाना चाहता है और हमको नीची ओनी देता है जिससे कि हमारी वासना खत्म होके फिर से हम वापस आए

पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्